सामने देख सकते हैं, ये है इंडिया लास्ट विलेज माणा गांव। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अच्छी चीजें हैं। जी भाई, माणा गांव हमारा स्वागत करने के लिए तैयार। चलिए माणा गांव में मैं, हमारे मित्र और पीछे हमारे एक और मित्र, प्रिय मित्र राहुल उर्फ राहुल के साथ करते हैं माणा गांव का। एक बार हाय तो कर दो। हाय। ऐसे हाथ से? हाँ, हाथ से। बाय बेटा, कुछ सामान तो ले जाओ। जी जी जरूर। सो फाइनली माणा गांव के हम आ चुके हैं इस समय गणेश गुफा में। गणेश गुफा वो गुफा है जहाँ पे गणेश जी ने वेदों का वेश व्यास जी के बोलने पर यहाँ पे उन्होंने अपनी हाथों से लिखा था, तो ये वो गुफा है। सो फाइनली बद्रीनाथ के माणा गांव में सेकंड प्लेस में हम आ पहुंचे हैं। ब्यास गुफा वो ये गुफा है जहां से गणेश जी को इन्होंने, अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा गणेश गुफा, यहां से ब्यास जी ने गणेश जी को सारी ग्रंथों का बोल कर सुनाया था। और गणेश जी ने नीचे जो मैंने अभी गणेश गुफा दिखाया वहां पे उन्होंने उसका लिखा हुआ था अपने हाथों से, तो ये वो गुफा है। तो माणा गांव के अगले प्लेस पे बात करें चलने की, तो अभी हम चल रहे हैं सरस्वती नदी और भीम पुल की तरफ। तो चलिए कैसा है वहाँ पे वो भी आपको दिखाते हैं। नीचे रुक जाओ। सो फाइनली हम आ पहुँचे हैं सरस्वती नदी के उद्गम और भीम पुल, जो कि ठीक सामने आपको दिख रहा होगा, ये है भीम पुल और सरस्वती नदी का यहीं से उद्गम होता है। आप देख सकते हैं जोर शोर में यहाँ से बहते हुए। मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये है सरस्वती नदी का नदी बह रही है और ठीक ऊपर ही सरस्वती जी का मंदिर है। और यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे पुरानी दुकानें हैं जो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान के नाम से ओपन है। तो आइए माँ सरस्वती जी के मूर्ति का दर्शन करते हैं। हर हर माँ सरस्वती। सो फाइनली मानगांव हमारा घूम के हो गया है और अगेन हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेंपल की तरफ। तो मानगांव छोटा सा एक विलेज है जो कि बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग प्यारे हैं। यहाँ के लोग बेसिकली अपना छोटा मोटा, हमारे विजिट से इनका छोटा मोटा कारोबार हो जाता है। अगर यहाँ से हम कुछ बाय करते हैं या यहाँ के लोकल टैक्सी वाले हैं, इनका रोजी रोटी चल जाता है। बिकॉज
छः महीने के लिए ये ओपन रहता है और छः महीने ही यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, इसके बाद बंद हो जाता है बिकॉज यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, तो ये पूरा का पूरा बंद रहता है। तो आइए, काफ़ी अच्छा सा विलेज है।